उस दिन अगर नीतीश कुमार जी खड़े हो जाते अपने पैर पे और अटल रहते अपने विचार पर कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तब तक अपना समर्थन हम नहीं देंगे आपको, आप विशेष राज्य का दर्जा वहाँ घोषित कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। 2008 में इसको संशोधन करके हटा दिया गया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसके कुछ प्रावधान थे उसमें, बिल्कुल अमेंडमेंट कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया कि विशेष पैकेज दिया जा सकता है लेकिन विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार लाएंगे विशेष का दर्जा ले आएंगे, इनका कद इतना बड़ा हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्तक न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, जो कि सारे नेताओं, बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू यादव भी रहे, राबड़ी यादव भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, सभी लोग बिहार के लोगों के साथ विशेष राज्य की दर्जा का मांग किए, लेकिन आखिर आज केंद्र से सीधा खारिज कर दिया गया विशेष राज्य की दर्जा बिहार को नहीं मिलेगी। चलिए बिहार के लोगों से जानते हैं, विशेष राज्य की दर्जा का खारिज आखिर नीतीश कुमार कहते कि हम दिलाएंगे, सिग्नेचर वगैरह सबसे करवाए थे कि बहुत लोग सिग्नेचर करेगा तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, आखिर क्यों इन्हें खारिज कर दिया? अगर नीतीश कुमार जी आप केंद्र में गए थे, बहुत सुनहरा मौका नीतीश कुमार को मिला था कि वो जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह का समय चल रहा था मोदी जी का, मंत्रालय जिस दिन बंट रहा था, उस दिन अगर नीतीश कुमार जी खड़े हो जाते अपने पैर पे और अटल रहते अपने विचार पर कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तब तक अपना समर्थन हम नहीं देंगे आपको, आप विशेष राज्य का दर्जा वहाँ घोषित कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। पहले सरकार बनती तभी ना विशेष राज्य की दर्जा हो, ये एक एग्रीमेंट कर लेते ये बात करके तय कर लेते कि जिस दिन आप शपथ समारोह करेंगे उसी दिन मेरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का आप ऐलान भी कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें नाकाम उतरे, निकम्मी उतरे, मतलब खड़े नहीं उतरे हमारे बिहार सरकार के, बिहार के नीतीश कुमार जी, ठीक है? तो आप खड़े नहीं उतरे, लोगों उधर ही कैसे कैसे गुमराह किए नीतीश कुमार ने। अच्छा। नीतीश कुमार लोगों को गुमराह किए हैं, हस्ताक्षर करवाते थे, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, साइन कीजिए, साइन काहे के लिए भैया, जितने बिहार लोग साइन करेंगे उतने जल्दी बिहार में विशेष राज्य का दर्जा हम लेके चलाएंगे। ये दौर कब चला था आपको बता दे रहे हैं कि 2006 या 2007 में चला था, ठीक है? कितना साल हो गया, एक बच्चा भी पैदा हुआ तो जवान हो गया, ठीक है? लेकिन नीतीश कुमार बिहार में विशेष राज्य का नहीं दिला रहे हैं, तो बिहार की जनता यही डिमांड करती है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो। हाँ, अच्छा, आप नीतीश कुमार बिहार के जनता के लिए इस्तीफा दो कि सरकार से हट के इधर मिल जाए? नहीं, इस्तीफा दो। अच्छा, मुख्यमंत्री आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं बिहार में? अच्छा, क्या जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में, एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर में 30 से 35 हत्या हो गया बिहार में, इसका जवाब कौन देगा? अरे आपको तो डिप्टी सीएम बनते हैं, दो डिप्टी सीएम बने, तुरंत जेट पर का सुरक्षा दे दिया गया, हमारे आम जनता है, आम जनता का सुरक्षा कौन देगा? ऐसे तो बोलते हैं सुशासन की सरकार है। हाँ, ठीक है, नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, लंबे आराम की जरूरत है, अब उनको आराम करना चाहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, हम सुरक्षित महसूस करेंगे बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में नया चेहरा किसको देखते हैं? नया चेहरा कचिए, हम आरजेडी को भी अब नहीं फॉलो कर रहे हैं और जदयू को भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला 243 सीट पर बिहार में बीजेपी लड़े, कांग्रेस लड़े और हमारे प्रशांत किशोर लड़े। हाँ, पूरे 243 सीट पर कोई बैसाखी का जरूरत नहीं, ठीक है? ना आप गठबंधन कीजिए आरजेडी से, ना आप गठबंधन कीजिए आप जदयू से, आप खुल्लम खुल्ला मैदान में आइए, तीनों में से जिसको सीट ज्यादा आएगा बिहार में सरकार उसी का बनेगा। ना देखिए 1990 से लेके 2024 तक दो चेहरा देख के बिहार थक चुका है, पहले लालू जी, अब नीतीश जी, अब बिहार परिवर्तन चाहता है, एक नए चेहरे की जरूरत। बिल्कुल। आपको कौन सा नया चेहरा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए? बिहार में जो लोग शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है उसी को लोग नेता मानता है। अच्छा। अरे भाई, जो लोग हम ही भगवान के भेजे हुए दूत है, जो आएंगे तो सब कुछ छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जो लोग नए हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग आते हैं तो लोग कहता है कि अरे भाई नहीं चलेगा, ये बहुत तेज मन रहा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अब लोगों को समझने की जरूरत है भाई, जब जब आप लोग इस तरह के लोगों को चुनेंगे आपको इसी तरह का रास्ता दिखाया जाएगा। अरे आपको पहले से पता नहीं था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लड़े हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। जनता को मूर्ख बनाया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली मूर्ख बनाया है। 2008 में इसको संशोधन करके हटा दिया गया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसके कुछ प्रावधान थे उसमें, बिल्कुल अमेंडमेंट कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया कि विशेष पैकेज दिया जा सकता है लेकिन विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी लोगों
को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार लाएंगे विशेष राज्य का दर्जा ले आएंगे, इनका कद इतना बड़ा हो गया, इनका कद इतना बड़ा हो गया। अरे भाई इनका कद तो इतना बड़ा हुआ, एक बढ़िया से मंत्रिमंडल नहीं मिला है केंद्र में, ये क्या बात करेंगे। इनको किसी भी तरह अपना सीट बचा रहना चाहिए, बाकी कोई जहां जाए आए। यही नीतीश कुमार है जो एक बार केवल रेल दुर्घटना हुआ था तो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिए हुए थे, लेकिन वही नीतीश कुमार आज किसी भी तरह दांव पेच लगा करके कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, ये बात सच है, सबके सामने है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे कि नैतिकता के आधार पर जहां लोग देश में रेल दुर्घटना से मर रहे हैं वहां हम रेल मंत्री नहीं रह सकते हैं। आज देश पूरे भारत के सबसे पिछड़ा राज्य है, उसके बाद भी ये कुर्सी पर जबरदस्ती बने हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में बाढ़ से कितने लोग मर रहे हैं पता है? बाढ़ का बातें छोड़िए, आप सड़क पे चलते हुए सेफ नहीं है, आपको हेलमेट लगा के चलना पड़ेगा, कब आपके सिर के ऊपर पुल गिर जाएगा ये इसका कुछ पता नहीं है। हाई प्रोफाइल मर्डर हो जा रहा है। तो नया चेहरा बताइए आप, सीधे बात पे आइए, युवा है नया चेहरा बताइए, जो जनता चाहेगी जिसको चाहेगी वो आएगा। अच्छा, तो भी आपके नजर में आपका पर्सनल राय बताइए, ये बताइए पर्सनल राय, जिसको जनता चाहेगी वो आएगा और सबको नया आना चाहिए। क्यों केवल मतलब 12.5 एक सर्वे आया है उसको ध्यान से देखिएगा, 12.5 लोग ही केवल राजनीति में है जैसे हम आपको गिनाते हैं। ये तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल राय रखी, बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं।